नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है? नित्य। नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है? नित्य। नित्य का मतलब क्या होता है? जो कार्य हम डेली करते हैं, यानी कि जिस कार्य को हम रोज करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? नित्य बोला जाता है। यानी कि सर्वदा, सत्य, यानी कि जो कार्य हमेशा हो रहा है। जैसे सूरज निकलना, कभी देखा है आपको कि सूरज आज निकला है कल नहीं निकलेगा, या कल निकला है आज नहीं निकलेगा? तो कभी नहीं होता, सूरज हमेशा सुबह ही निकलता है और निकलता रहेगा जब तक क्या है, धरती है। इसके कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं, कौन कौन से इसके पर्यायवाची बन सकते हैं। जैसे शाश्वत, अविनाशी, अमृत्य, सनातन, सर्वदा, सदैव, ये किसके पर्यायवाची हैं? सारे ये पर्यायवाची किसके हैं? नित्य से संबंधित पर्यायवाची हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देख लेते हैं, कौन से बनेंगे नित्य से। तो शाश्वत, शाश्वत पर्यायवाची यूपी ट्रिपल एससी ने अपने एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है इसको, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे पास पर्यायवाची है। शाश्वत, अमृत्य, सर्वदा, ये तीनों पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए। नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पति। अब पति भी आप लोगों ने सुना होगा और सुनते भी हैं, हम अपने डेली लाइफ में सुनते हैं पति को। तो देखते हैं पति से संबंधित कुछ समानार्थी, भ्राता, वल्लभ, आर्य पुत्र, बालम, जीवन धारा, नाथ, प्राण प्रिय। तो ये सभी पर्यायवाची किससे हैं? ये सभी पर्यायवाची किससे हैं? हमारे पति से हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, भ्राता, आर्य पुत्र, नाथ, प्राण प्रिय, ये चारों पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं, नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है? पत्नी। तो पत्नी भी आप डेली सुनते हैं, तो देखते हैं पत्नी के क्या होंगे, भ्राया। यहां पर भ्राता की जगह क्या बन जाएगा? भ्राया हो जाएगा। सहगामनी, सहगामनी का मतलब कि जीवन भर साथ चलने वाली, तो उसे क्या बोला जाता है? सहगामनी बोला जाता है। वल्लभा, जैसे पति को वल्लभ बोला जाता है तो पत्नी को क्या बोला जाता है? वल्लभा। वामा, धरनी, प्रिया, कलत्र, ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? ये सभी पर्यायवाची हमारे पास पत्नी के हैं। और इसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे भ्राया, वल्लभा, वामा, कलत्र, ये चारों पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं, नेक्स्ट पर्यायवाची क्या है? पंडित। अब पंडित को आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पंडित कौन होता है? पंडित हमेशा यज्ञ करने वाला और घर में पूजा करने वाला और शादी कराने वाले को क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है। जैसे अब इसे संबंधित कुछ समानार्थी शब्द देख लेते हैं, सुधी, विद्वान। विद्वान इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसे सारे वेदों का ज्ञान होता है, तो इसलिए विद्वान। कोविद, मनीषी, विलक्षण और सुविग, ये सभी किससे संबंधित पर्यायवाची हैं? पंडित से संबंधित पर्यायवाची हैं। और अब देख लेते हैं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पर्यायवाची कौन से बन सकते हैं पंडित से। तो सुधी, मनीषी, विलक्षण, सुविग, ये चारों पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा पर्यायवाची होगा, तो नेक्स्ट है परिवार। अब आप लोग सब जानते हैं परिवार क्या है। जैसे विद्या 24 आप लोगों के लिए एक परिवार है, और हम आप लोग हमारे लिए एक परिवार है, तो और सबका एक अपना परिवार होता है, तो जानते हैं परिवार के बारे में। तो परिवार को क्या बोला जाता है? कुटुंब, कुणबा, कुल, खानदान,
घराना, ये सभी क्या होते हैं? हमारा परिवार होता है। और जैसे घराना, अब घराने से आपके दिमाग में आ रहा, घराना कैसे परिवार हो सकता है? घराना जैसे गिरजा देवी और पंडित रविशंकर, ये हमारे वाराणसी घराने से संबंधित है, या हम बोल देते हैं आगरा घराना, कि ये वहाँ से कुछ चीज़ें सीख कर और उसका प्रदर्शन करते हैं कहाँ पर, पर्दे पर। तो ये घराना होता है, ठीक है। और खानदान आप लोगों को पता होगा, गांव में बोला जाता है। इसके बाद इससे संबंधित यानी कि परिवार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लेते हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे परिवार का सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है कुटुंब, ये सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है परिवार का, कुटुंब। नेक्स्ट देखते हैं परोक्ष। परोक्ष, परोक्ष का मतलब क्या होता है? कि हमारी समझ से काफी दूर, जहां तक हम सोच सकते हैं उससे भी काफी दूर, यानी कि परोक्ष, उसे परोक्ष कहा जाता है। तो परोक्ष से संबंधित कुछ शब्द देख लेते हैं, यानी कि समानार्थी शब्द देख लेते हैं। अप्रत्यक्ष, जो प्रत्यक्ष रूप से ना हो उसे क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष बोला जाता है। ओझल, यानी कि काफी दूर चले जाना, ओझल हो जाना। गुप्त, यानी कि छिप जाना। अगोचर और तिरोहित, ये सभी पर्यायवाची किससे संबंधित हैं? परोक्ष से संबंधित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, फिर भी हम देख लेते हैं इससे संबंधित जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं पर्यायवाची। अगोचर, तिरोहित, ये दो पर्यायवाची ऐसे हैं जो कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पुत्र। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पुत्र। अब पुत्र के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, सबको पता है, हम लोग भी किसी के ना किसी के पुत्र होंगे हैं, और आप लोग भी किसी के ना किसी के पुत्र होंगे। अब इससे संबंधित कुछ पर्यायवाची या समानार्थी शब्द देख लेते हैं, जैसे तनिया, आत्मजा, सुत, ओरस और पूत, ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? पुत्र के हैं। अब महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लेते हैं पेपर के लिहाज से। तो तनिया इसका सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, आत्मजा भी इसका सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, और ओरस, ये तीन पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो पर्यायवाची हमारे पास क्या है, वो है पुत्री। नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है? पुत्री। तो पुत्री को भी देख लेते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा पुत्र में क्या था? तनिया, और नीचे पुत्री में क्या है? तनिए। तो आखी मात्रा हटाओगे तो क्या बन जाएगी? पुत्री, और आखी मात्रा लगा दोगे तो क्या बन जाएगा? पुत्र बन जाएगा। तो तनिए, आत्मजा, सूता, बेटी, दुहिता, ये सभी, अगर आप किसी भी पुत्र वाले पर्यायवाची में आ की मात्रा लगा देते हो तो वो सभी पर्यायवाची किसके बन जाएंगे? पुत्री के बन जाएंगे। अब इसके महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची है वो है तनिए, आत्मजा, दुहिता, ये तीन पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी पेपर के लिहाज से। अब नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं, नेक्स्ट जो पर्यायवाची हमारे पास है वो है पुरातन। पुरातन को समझना है, पुरातन किसे बोला जाता है? पुरातन का मतलब होता है यानी कि जो बहुत पुराने हो, तो यानी कि प्राचीन काल का हो। अब इसके संबंधित कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे प्राचीन, प्राकृत, पूर्वकालीन, यानी कि जो बहुत पहले का हो उसे क्या बोला जाता है? पूर्वकालीन बोला जाता है। और भूतकालीन, यानी कि जो भूतकालीन यानी कि भूत में बीत चुका हो उसे क्या बोला जाता है? भूतकालीन बोला जाता है। और प्राकालीन, ये सभी पर्यायवाची किसके किससे संबंधित है? पुरातन से संबंधित है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं इसके प्राकृत, भूतकालीन, प्राकालीन, प्राकालीन, ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? प्राचीन या पुरातन के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं हमारे पास क्या है? प्रख्यात। प्रख्यात का मतलब आप लोग ध्यान से समझना, प्रख्यात का मतलब होता है जैसे आप लोगों ने पीसीएस का एग्ज़ाम पास किया, और पीसीएस का एग्ज़ाम पास करने के बाद आपके
आस पड़ोस या आपके रिश्तेदारी में पता चलता है कि उस बच्चे ने पीसीएस का एग्जाम पास किया है, तो आपकी क्या हो जाएगी, प्रसिद्धि हो जाएगी, आप फेमस हो जाओगे आसपास में कि इस लड़के ने क्या कर दिया, पीसीएस का एग्जाम पास करे, तो उसी को क्या बोला जाता है, प्रख्यात बोला जाता है। यानी कि अब क्या हो गया, आप लोग सभी जगह प्रख्यात यानी कि प्रसिद्ध हो चुके हो। जैसे अभी एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, अब आप बॉलीवुड में देखो अक्षय कुमार कितने प्रसिद्ध एक्टर हैं, तो उनको सब जानते हैं, प्रसिद्ध है, ठीक है। तो प्रसिद्धि, विख्यात, नामवर, यशस्वी, लब्ध प्रतिष्ठ और प्रतिष्ठित, ये सभी पर्यायवाची किसके हैं, प्रख्यात से संबंधित पर्यायवाची हैं। और इसके कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लेते हैं प्रख्यात के। विख्यात, नामवर, यशस्वी, यशस्वी इसका पर्यायवाची कई बार पेपर में रिपीट हो चुका है, तो ये तीन पर्यायवाची इसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है, प्रचंड। नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है, प्रचंड। प्रचंड को जानते हैं, प्रचंड का मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत भयानक, यानी कि डरावना, जिससे हमें क्या लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसे क्या बोला जाता है, प्रचंड बोला जाता है। जैसे भीषण, इसके कुछ समानार्थी शब्द हैं, भीषण, भयानक, खौफनाक, भयंकर, उर्ग, ये सभी क्या है, हमारे प्रचंड के समानार्थी शब्द है। अब प्रचंड को समझते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अम्फान तूफान आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में, तो वहाँ पर कितनी तबाही मचाई है कि उसको हम देख भी नहीं सकते हैं। या एक और एग्जांपल समझो, जैसे 2013 में उत्तराखंड में बाढ़ आई थी, तो उस बाढ़ ने कितनी तबाही मचाई थी, तो वो क्या थी, प्रचंड बाढ़ थी, जिसकी कोई अनुमान नहीं था कि कितनी भयानक है, तो ये बोला जाता है क्या, प्रचंड बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है, प्राण्य। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्राण्य, यानी कि प्राण्य का मतलब क्या होगा, यानी कि अपने भी प्राण से प्रिय, उसे क्या बोला जाता है, प्राण्य बोला जाता है। तो अब इसके संबंधित कुछ समानार्थी पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे अनुरक्ति, स्नेह, प्रीति, अनुराग, प्रेम। अब यहां पर भी कुछ पर्यायवाची ऐसे ही आए हैं, स्नेह और प्रेम। इसके बाद है जैसे कुछ पर्यायवाची, और इम्पोर्टेंट जो इसके पर्यायवाची हैं वो है अनुरक्ति, अनुराग। ये दो पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी पेपर के लिहाज से। तो अब नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं, नेक्स्ट पर्यायवाची जो हमारे पास है वो है प्रकाश। प्रकाश, प्रकाश आप लोग जब शाम के टाइम स्टडी करते हैं तो आप प्रकाश में बैठ के करते हैं, या सूरज की जो किरणें होती हैं वो हमें क्या देती हैं, प्रकाश देती हैं। तो प्रकाश से समझ में आया प्रकाश क्या होता है। अब इससे संबंधित कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं, प्रभा, धूति, ज्योति, आलोक, दीप्ति, उजाला, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, प्रकाश के पर्यायवाची हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देखते हैं प्रकाश से, तो सबसे ज़्यादा जो रिपीट हो चुका पर्यायवाची है वो आलोक, उसके बाद दीप्ति और फिर ज्योति। ये तीन पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं कौन सा होगा हमारे पास, तो नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है, बंदर। अब बंदर को भी आप सब लोग जानते होंगे, इसे समझाने की जरूरत तो ना है। तो बंदर से संबंधित कुछ समानार्थी या पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, कपि, वानर, कपीश, शाखा मृग, मृकट, कीश, के सभी किसके पर्यायवाची हैं, बंदर के पर्यायवाची हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अब महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लेते हैं बंदर से कौन से होंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्यायवाची है वो है इसका कपीश, शाखा मृग, मृकट, ये तीन पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किससे, बंदर पर्यायवाची से। और मृकट जो इसका पर्यायवाची है, ये कई बार UP SSC ने अपने एग्जाम में पूछा है। तो अब नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बसंत। बसंत पर्यायवाची है, और बसंत का मतलब क्या होता है, बसंत एक खिलने
क्या है, ऋतु है, यानी कि मौसम है, बसंत मौसम, जिसमें बसंत आती है। तो देखते हैं बसंत से संबंधित ऋतु राज, यानी कि ये किसी भी ऋतु का क्या होता है, राज, यानी कि राजा होता है। ऋतुपति, वही ऋतु का पति होगा। मधुमास, कुसुमाकार और माधव, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, बसंत के पर्यायवाची हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लेते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। तो ऋतु राज, मधुमास और कुसुमाकर पर्यायवाची इसके महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बुद्धि। अब बुद्धि, बुद्धि को आप ऐसे समझो जैसे आप अपने दिमाग को प्रयोग करते हो किसी भी परीक्षा को पास करने में, और कैसे आप उस परीक्षा के लिए तैयार करते हो, तो वो किससे तैयार होता है, हमारी बुद्धि से तैयार होता है। तो अब इससे संबंधित कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। तो क्या होगा, प्रज्ञा, मेधा, जेहन, समझ, अकल, मति, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, हमारे पास बुद्धि के पर्यायवाची है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देख लेते हैं। प्रज्ञा, मेधा, अकल, ये तीनों पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, किससे संबंधित, पेपर से संबंधित, जो कई बार पेपर में रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं। नेक्स्ट जो पर्यायवाची हमारे पास है वो क्या है, बाल। अब बाल के बारे में भी मुझे बताने की जरूरत ना है, क्योंकि सबने बाल को देखा और सबके पास अपने बाल हैं। तो अब बाल से संबंधित कुछ समानार्थी शब्द देख लेते हैं कि कौन कौन से बन सकते हैं, जैसे केश, चिकूर, सिरोरुहु, कुंतल, चूल, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, बाल के पर्यायवाची है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देख लेते हैं, जो कई बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। चिकूर, सिरोरुहु, कुंतल, सिरोरुहु और कुंतल, ये यूपी ट्रिपल एससी ने अपने एग्जाम 2019 जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा था। तो ये महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, किसका, बाल का, सिरोरुहु। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट जो पर्यायवाची हमारे पास है वो है भारती पर्यायवाची। भारती, अब भारती को हम जैसे सरल भाषा में जानते हैं, भारती कौन थी, तो भारती हमारी सरस्वती माता को हम भारती भी जानते हैं, ठीक है, या सरस्वती माता को ही भारती भी बोला जाता है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण समानार्थी शब्द देख लेते हैं, कौन कौन से होंगे, तो वागेश्वरी, विधात्री, वीणावादिनी, शारदा, सरस्वती, विद्या देवी, ये सभी पर्यायवाची किसके हैं, भारती के हैं। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे विधात्री, वीणावादिनी, शारदा और सरस्वती, ये चारों पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। अब नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं। नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है, भास्कर। अब भास्कर को आप ऐसे समझो, सूर्य को हम भास्कर भी बोल सकते हैं, ठीक है। और अब इससे संबंधित कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे प्रकाशवान। अब सूर्य क्या है, हमको प्रकाश देता है, तो इसीलिए उसको क्या बोलता है, प्रकाशवान, यानी कि भास्कर भी हम बोल सकते हैं। चमकीला, सूर्य भी कैसा होता है, चमकीला होता है, तो चमकीला भी बोल सकते हैं। दीप्ति में, यानी कि दीप्ति में का मैं, दीप्ति का मतलब प्रकाश और मैं का प्रकाश देने वाला, तो दीप्ति में। प्रभाकर, दिवाकर और दिनकर, दिनकर का मतलब जो दिनकर यानी कि दिन करता है, उसको दिनकर बोल दिया जाता है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जैसे दीप्ति में, प्रभाकर, दिवाकर और दिनकर, ये चारों पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। तो आप लोग इस पर्यायवाची को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। नेक्स्ट देखते हैं, माँ। माँ के पर्यायवाची देखते हैं, माँ को हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि हम सभी लोग अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो अब माँ से संबंधित कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं। मातृ, मतारी,
महतारी, जनयित्री, धात्री, अंबिका, जन्मदात्री। जन्मदात्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि माँ ही किसी को जन्म देती है, यानी कि जन्मदात्री, अंबिका और जनयत्री। अब इसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लेते हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं, जैसे मातरी, महतारी, धात्री, अंबिका। ये चार पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी पेपर के लिहाज से, तो आप लोग इन चार पर्यायवाची को अच्छे से पढ़ना। अब देखते हैं नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास कौन सा होगा। नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है, मोक्ष। ठीक है, और रामायण में या महाभारत में आप लोगों ने कई बार इस शब्द को सुना होगा मोक्ष, क्योंकि मोक्ष का मतलब होता है यानी कि शरीर को त्यागना, मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष प्राप्त करने का मतलब क्या होता है, शरीर को त्यागना, आत्मा को पवित्र करना, तो यानी कि मुक्ति, निर्वाण। निर्वाण शब्द कहाँ से लिया गया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जैसे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में, जब जैनियों ने अपने, जब वो अपने प्राण त्यागते हैं तो उसी को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या कर दिया उन्हें, अपने प्राण को त्याग दिया, तो इसीलिए क्या बोल दिया गया, निर्वाण। कैवल्य, कैवल्य शब्द भी वहीं से लिया गया जैन धर्म से, कैवल्य, अपवर्ग, परम धाम और अमृता तत्व, ये सभी किससे संबंधित है, मोक्ष से संबंधित पर्यायवाची है। अब इसके इंपॉर्टेंट पर्यायवाची देख लेते हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं, जैसे निर्वाण, कैवल्य, अपवर्ग और अमृता तत्व। ये चारों पर्यायवाची कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और एग्जाम में आपको रिपीट कर चुका हूँ बार बार, इसीलिए एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएस, हरियाणा एसएससी, राजस्थान पटवार और मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस, यूपीएसआई, किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पर्यायवाची है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है यश। यश पर्यायवाची भी एक तरीके का, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा था या पहले स्लाइड में पढ़ा था, प्रख्यात यानी कि प्रसिद्धि, तो यश भी एक उसी तरीके का ही पर्यायवाची है। अब इससे संबंधित कुछ और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं, जैसे कीर्ति, नाम, प्रसिद्धि, नेकनामी, ख्याति, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, यश के पर्यायवाची हैं। अब यश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे कीर्ति, प्रसिद्धि, ख्याति, ये तीनों पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है, युक्ति। युक्ति, अब युक्ति से आप ऐसे समझो, आप लोग किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको सिर्फ पढ़ने से ही उस परीक्षा में पास नहीं हो पाओगे, आपको युक्ति लगानी पड़ेगी, तरीका लगाना पड़ेगा कि और उसे कैसे आगे निकलना है, तो वो क्या होता है, युक्ति होता है। अब युक्ति से संबंधित कुछ पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे तदबीर, उपाय। मैंने कहा कि उपाय निकालना होता है कि कैसे हम उन लोगों से आगे जा सकते हैं। जुगत, तरीका, यानी कि हमें तरीका पता होना चाहिए कि उनसे कैसे आगे निकलना है। और ढंग, इनके हमें ढंग भी पता होना चाहिए कि हम उन लोगों से कैसे पहले परीक्षा पास कर सकते हैं, कैसे उनसे आगे जा सकते हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख ले, जैसे तदबीर, जुगत और तरीका, ये तीनों पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास क्या है, यौगिक। यौगिक का मतलब क्या होता है, किसी दो चीज़ को जोड़कर बनाया गई चीज़, उसी को क्या बोला जाता है, यौगिक बोला जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यौगिक का, जैसे विद्यालय, जैसे मैंने लिखा है विद्यालय, तो विद्यालय को हम कैसे लिख सकते हैं, विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय, तो ये दो शब्दों से मिलकर बनाया विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय, तो इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, यौगिक बोल दिया गया है। ठीक है, और यौगिक से हमें समझ में आता है क्या, जैसे संश्लिष्ट, मिश्र, संयुक्त, मिला हुआ या जुड़ा हुआ, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है क्या, यौगिक बोला जाता है। अब यौगिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची देख लेते, जैसे संश्लिष्ट, संयुक्त, ये दोनों पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। अब नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं, नेक्स्ट जो पर्यायवाची हमारे पास क्या है, वो है योग्य।
योग्य पर्यायवाची। अब योग्य से आपको समझो कि आपने कोई फॉर्म फिल करना है तो आप पहले क्या चेक करते हो, उसमें योग्यता चेक करते हो या ये दे, और ये भी चेक करते हो कि मैं इस परीक्षा के लिए योग्य हूँ या नहीं हूँ, तो उसी को क्या बोलते हैं, योग्य बोला जाता है। जैसे कार्य क्षम, यानी कि हमारे पास कार्य करने की क्षमता है या नहीं, यानी कि मैं इस कार्य को करने के लिए योग्य हूँ या नहीं हूँ, तो उसे क्या बोलते हैं, कार्य क्षम। उपयुक्त, कुशल, सक्षम, दक्ष, निशांत, तो ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, योग्य के पर्यायवाची हैं। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पर्यायवाची वो देखते हैं। जैसे कार्य सम, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सक्षम, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। और निशंता, ये कई बार पेपर में पूछा जा चुका पर्यायवाची है। तो आपको इन तीनों पर्यायवाची को अच्छे से पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है, रमणी। रमणी को सरल भाषा में हम स्त्री भी बोल सकते हैं, और स्त्री आप सबको पता है कौन होती है। जैसे स्त्री में हमारी माँ भी आ जाती है, हमारी सिस्टर भी आ जाती है, तो सभी क्या है, स्त्री है। तो अब इससे संबंधित कुछ समानार्थी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। जैसे स्त्री, भामा, विनीता, नारी, औरत, वामा, ये सभी पर्यायवाची किसके हैं, रमणी के हैं। और इसमें अब देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पर्यायवाची कौन से होंगे। तो भामा सबसे महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, विनीता ये भी इसका महत्वपूर्ण पर्यायवाची है, औरत और वामा, ये चारों पर्यायवाची इसके महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। अब नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं, नेक्स्ट पर्यायवाची हमारे पास क्या है, रसना। अब रसना का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता होगा, रसना क्या होती है, जिसे हम बचपन में पानी में घोलकर पीते थे और अभी भी मिलती है मार्केट से, उसी को क्या बोलते हैं, रसना। यानी कि जीभ, रसना का टेस्ट कहाँ से पता चलता है, हमें जीभ से पता चलता है। रसेंद्रिय, जीहा, रसिका और जबान, ये सभी क्या है, हमारे रसना से संबंधित पर्यायवाची है। और ये पर्यायवाची इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची है किसी भी परीक्षा के लिहाज से, पूरा का पूरा पर्यायवाची। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो कई बार पूछा जा चुका है, रसेंद्रीय और रसिका, ये इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। अब नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं, वो हमारे पास क्या है, वर्जित। अब वर्जित को आप ऐसे समझो, कई जगह लिखा रहता है कि धूम्रपान करना वर्जित है, तो बहुत से स्थानों पर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन या पेट्रोल पंप, और भी बहुत सी जगह देखा होगा, और सिनेमा घर में भी कई बार लिखा, तो स्मोकिंग करना वर्जित है। तो वर्जित यही है कि प्रतिबंध लगाना, जैसे निषिद्ध, बाधित, प्रतिषेधित, निषेचित और वर्जना, ये सभी पर्यायवाची किसके हैं, वर्जित के हैं। तो निषिद्ध ये इम्पोर्टेंट पर्यायवाची है इसका, और प्रतिषेधित वर्जित का। नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं हमारे पास, नेक्स्ट पर्यायवाची क्या है हमारे पास, विगत पर्यायवाची है। विगत का मतलब होगा यानी कि जो पहले बीत चुका हो, उसे क्या बोला जाता है, विगत, यानी कि पुरानी जो, यानी कि जो हमारी हिस्ट्री है, यानी कि जो हमारे साथ बीत चुका है, उसे क्या बोला जाता है, विगत बोला जाता है। तो अब इसके कुछ समानार्थी पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कौन कौन से होंगे। जैसे बीता, अतीत, व्यतीत, गया हुआ, ठीक है, यानी कि वो समय जो बीत चुका है और वापस नहीं आ सकता, उसे क्या बोला जाता है, विगत बोला जाता है। जैसे, और इसके इससे सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्यायवाची है वो है अतीत, व्यतीत, ये दोनों पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से। अब नेक्स्ट पर्यायवाची देखते हैं, विरक्ति। विरक्ति, विरक्ति से आप ऐसे समझो, जब आप कोई काम करने जाते हैं और वो काम सफल नहीं होता है, तो आप कैसे हो जाओगे, उदासीन, उदास हो जाओगे, तो वही क्या है, विरक्ति है। अब इससे संबंधित कुछ समानार्थी शब्द देख लेते हैं। जैसे अनासक्ति, विमुक्ता, उदासीनता, निर्लपता और विराग, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, विरक्ति के पर्यायवाची हैं। अब इनमें देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण पर्यायवाची कौन से होंगे। तो विमुक्ता, निर्लिप्तता, ये दो पर्यायवाची महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिहाज से, ठीक है। ये मैंने आपको 30 पर्यायवाची और कराए हैं, अब मैं 30 के बाद आपको फिर से एक
पांच क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट दूंगा जो आपको सोल्व करना है और समझना है कि कैसे हमें वो प्रैक्टिस सेट की सहायता से पेपर में सोल्व करना है, ठीक है। और मैं आपको 4 मिनट का समय दूंगा सोल्व करने के लिए, तो अच्छे से पढ़कर उसको सोल्व करना प्रैक्टिस सेट को, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट, स्टार्ट करो। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आए होंगे जो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट दिया था। तो अब देखते हैं, इसे सोल्व करते हैं कि कैसे इसे सोल्व करना है और आपको एग्ज़ाम में कैसे इसको अच्छे से ध्यान से देखना है क्वेश्चन को और कैसे उसे सोल्व करना है। देखते हैं पहला क्या हमारे पास क्या है, कुटुंब। तो कुटुंब हम अभी पहले पढ़ चुके हैं, जो अभी हमने 30 पर्यायवाची पढ़े थे, मैंने कुटुंब बताया था आपको किसका, परिवार का पर्यायवाची होता है कुटुंब। तो इसका देखते हैं कि समानार्थी कौन सा शब्द बन सकता है,
तो अनुचर, मैंने आपको अनुचर तो बताया नहीं था, जबकि अनुचर जो पर्यायवाची होता है ये अनुचर होता है सेवक का, ठीक है। जैसे नौकर, चाकर, अनुचर, ये पर्यायवाची किसका बनता है, हमारा नौकर का पर्यायवाची है अनुचर। और बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, परिवार। ये मैंने आपको बताया था परिवार जो है ये किसका पर्यायवाची है, कुटुंब का पर्यायवाची है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा हमारे पास, बी आंसर क्या होगा इसका, सही होगा। नेक्स्ट, ये मैं आपको प्रीवियस में बता चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या होगा। नेक्स्ट होगा हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोक्स का नहीं है, प्रोक्स का पर्यायवाची नहीं है। प्रोक्स का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था, यानी कि जो हमारी सोच से काफी दूर हो उसे क्या बोला जाता है, प्रोक्स कहा जाता है। अब इससे संबंधित देखते हैं कौन सा पर्यायवाची हमारा आंसर होगा। तो अगोचर, अगोचर भी मैंने आपको प्रोक्स का पर्यायवाची बताया था। तिरोहित भी पर्यायवाची बताया था। और अप्रत्यक्ष, ये भी मैंने आपको प्रोक्स का पर्यायवाची बताया था। तो अब ऑप्शन बचता है कौन सा है, रसद। ये पर्यायवाची इसका आंसर नहीं हो, मतलब ये प्रोक्स का नहीं होगा। तो प्रोक्स के पर्यायवाची कौन कौन से बन सकते हैं, अगोचर, तिरोहित, अप्रत्यक्ष। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोक्स का पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं होगा, रसद जो पर्यायवाची है वो प्रोक्स का पर्यायवाची नहीं होगा हमारे पास। और क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ये सेम क्वेश्चन इसी तरीके का पेपर में पूछते हैं और उसमें क्या लगा कर दे देते हैं, नहीं, जिसे बच्चा फॉलो में पढ़ते टाइम क्या पढ़ लेता है कि कौन सा पर्यायवाची प्रोक्स का है, तो वो गलत कर देता है कई बार क्वेश्चन को। तो अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है मरकट। मरकट भी मैंने अभी आपको पढ़ाया था, जैसे बंदर, बंदर भी, बंदर किसका पर्यायवाची था, मरकट। तो इससे का समानार्थी शब्द देख लेते हैं, तो कपीश, अभी हमने कपीस भी पढ़ा था बंदर में, तो इसका आंसर क्या होगा, कपीस पर्यायवाची हो जाएगा, किसका, मरकट का। जगत प्रभु, मार्तंड और इंद्रधनु इसके पर्यायवाची नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना, निम्नलिखित में से कौन सा शारदा का पर्यायवाची नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शारदा का पर्यायवाची नहीं है, तो देखते हैं, शारदा का पर्यायवाची नहीं होगा। मैंने बताया था वागीश, सरस्वती और भारती, ये तीनों पर्यायवाची किसके हैं, ये तीनों पर्यायवाची शारदा के हैं, जबकि परेवा इसका पर्यायवाची नहीं है। परेवा मैंने कबूतर का पर्यायवाची बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, कैवल्य का समानार्थी शब्द है। मैंने कैवल्य आपको क्या बताया था, प्राण, ठीक है, कि जैन मुनि क्या करते हैं, अपने प्राण त्यागते हैं, तो महापरिनिर्वाण, यानी कि निर्वाण का पर्यायवाची बताया था आपको क्या, कैवल्य। तो अब कैवल्य से संबंधित देखते हैं कौन सा पर्यायवाची बनता है, मोक्ष। मोक्ष का मतलब क्या होता है, मुक्ति, निर्वाण, ये पर्यायवाची बनता है हमारे पास किसका, कैवल्य का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, मोक्ष होगा, जबकि प्रभात, निकेतन और कोकन इसके पर्यायवाची नहीं होंगे। निकेतन आपको समझ में आएगा, निकेतन जो पर्यायवाची होता है ये घर का पर्यायवाची होता है। और प्रभात, प्रभात का मतलब क्या होता है, सवेरा, यानी कि सुबह का पर्यायवाची होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट समझ में आ रहे होंगे और अच्छे से कर भी रहे होंगे आप लोग, तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करना।